नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग टीवी और मैं हूं आपके साथ छवि। रीवा में कोरोना वायरस का संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा है और इसलिए जिला प्रशासन ने कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए 3 दिनों का संपूर्ण लॉकडाउन घोषित किया है। शहर के चप्पे चप्पे में पुलिस की तैनाती की गई है और बेवजह घूमने वाले लोगों से पुलिस सख्ती से निपट रही है। ऐसी स्थिति में बस संचालकों की स्थिति डावाडोल हो चुकी है। रीवा शहर का पुराना बस स्टैंड पूरी तरह से खाली है। हालांकि कुछ बसें अब भी सवारियों के इंतजार में खड़ी हैं, लेकिन सवारी न मिलने से बस संचालकों के हौसले पस्त हो चुके हैं। दरअसल शहर में लॉकडाउन के चलते बस वालों को सवारियां नहीं मिल रही हैं और बस मालिक खाली बस चलाने को मजबूर हैं। जहाँ पुराने बस स्टैंड में हमारी टीम ने जब बस मालिकों से सवारियों के बारे में जानकारी जुटाई तो पता चला कि लॉकडाउन के चलते एक भी सवारी नहीं मिल रही है। बस चालकों द्वारा बताया गया कि रीवा में 3 दिन के लिए पूरा लॉकडाउन लगा हुआ है और पुलिस वाले सवारियों को छोड़ नहीं रहे, एक भी सवारी नहीं मिल रही है। यहाँ तक कि डीजल का पैसा तक निकालने के लिए मुश्किल हो रही है। विगत दिनों जहां पुराने बस स्टैंड में काफ़ी भीड़ देखी जाती थी, लॉकडाउन के चलते पूरा बस स्टैंड खाली पड़ा है। कारण लॉकडाउन को बताया जा रहा है। अफजल अली। कौन सी बस चलती है आपकी? गहरवार बस सर्विस। तो कहां से कहां? सतना से रीवा। सवारियां मिल रही हैं लॉकडाउन? नहीं, लॉकडाउन में बिल्कुल सवारी नहीं मिल रही। किस तरह से परेशानी हो रही है? दिन एक एक दो दो घंटे खड़े रहते, एक भी सवारी नहीं रहती है। क्या कारण है? सब लॉकडाउन है, सवारी निकलने ही नहीं देते हैं। तो डीजल के पैसा वगैरह कैसे आप हो गया? अब चला रहे हैं, डीजल का ना पैसा आ रहा है ना सवारी आ रही है, कुछ खड़े रहते हैं दिन भर, एक भी सवारी आ रही है। आशीष त्रिपाठी। कौन से नाम से बस चलती है आपकी? पूजा ट्रेवल्स। किस तरह की कंडीशन है लॉकडाउन में? कंडीशन डीजल को भी पैसा नहीं मिलता। कहाँ से कहाँ बस चलती है? रीवा से पटाहट। लॉकडाउन चल रहा है, कैसे आप यात्रियों को हो गया? अब ले मास्क लगवा कर रन चलवा रहा है। नाम है आपका? ब्रजेश तिवारी। कौन सी बस चलती है आपकी? द्विवेदी ट्रेवल्स। किस तरह से आप अब क्या कर रहे हैं? सवारियां आ नहीं पा रही हैं, पुलिस वाले हर जगह परेशान कर रहे हैं सवारियों को, तो बस स्टैंड कोई सवारी आ नहीं पाती। जो सवारी नहीं आएगी तो आदमी सिर्फ बस पर आया लगाया है स्टैंड में, कोई मतलब नहीं है। डीजल का पैसा नहीं आ रहा, यहाँ फालतू स्टैंड में लगी हुई है गाड़ी। ये लॉकडाउन के चलते पूरा वो हो रहा है। रीवा से पटाहट। एक भी सवारी आप? एक भी नहीं है, देख लीजिए आप। कितने दिन से खाली खड़ी? अरे यार, 2-3 दिन से ऐसे एकदम, 2-4 दिन से मतलब ऐसा हो गया कि मैंने एक भी सवारी नहीं। डीजल का पैसा नहीं आ रहा है इसमें। डीजल का पैसा नहीं आ रहा गाड़ी में। खबर में फिलहाल इतना ही, और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप बने रहिए गुड मॉर्निंग टीवी के साथ। नमस्कार।